हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी। आटे और आलू से हम बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाने वाले हैं। बहुत ही कम टाइम लगता है इसे बनाने में। सुबह का नाश्ता या शाम के नाश्ते में आप इसे झटपट बना सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये रेसिपी। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप आटा लिया है और 1 इंच मैंने अदरक लिया है, बारीक कट कर लिया है। 2 हरी मिर्च है, इसे भी मैंने बारीक कट किया है, आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता लिया है, इसे भी बारीक कट कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इसके पल्प निकाल लिए हैं मैंने क्रश करके। और यहाँ पे मैंने उबला हुआ आलू लिया है, इसे भी क्रश कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर चिली फ्लेक्स है, ये ऑप्शनल है। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे और बाउल में आटा डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप आटा लिया है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद उबला हुआ आलू डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 उबला हुआ आलू ले लिया है, उसे क्रश किया। उसके बाद टमाटर डालेंगे, तो टमाटर को भी मैंने क्रश कर लिया है। उसके बाद बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, अदरक डाल देंगे। इसमें प्याज और लहसुन का यूज़ नहीं करना है। उसके बाद में कड़ी पत्ता डालेंगे, अगर आपके पास धनिया पत्ती हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे। नमक डालेंगे हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे 1 चम्मच मैं नमक डाल दूँगी। और अब इसे अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। पहले इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक बैटर रेडी करेंगे। एक साथ में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, वरना इसमें लम्स बन सकते हैं। तो इस तरीके से मिक्सर की हेल्प से अब हम इसे मिक्स करेंगे और इसका एक बैटर रेडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बैटर रेडी कर लिया है, एक भी इसमें लम्स नहीं बने हैं, बिल्कुल अच्छे से बैटर रेडी हो गया है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्मूथ बनके रेडी हो गया है बैटर। अब हम चलते हैं, गैस ऑन करते हैं और एक तवा रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर लिया, इसके ऊपर हम एक तवा रख देंगे। अब तवे को हल्का सा गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। उसके बाद 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और ऑयल को हल्का सा फैला लेंगे। और अब इस तरीके से हम बैटर डालेंगे और बैटर को भी अच्छे से बिल्कुल फैला लेंगे। तो यहाँ पे बैटर को मैंने फैला लिया, अब ये अच्छे से बिल्कुल नीचे से पक जाए, उसके बाद हम इसे पलटना है। तो यहाँ पे देखिए, ये नीचे से अच्छे से पक चुका है, तो हम इसे पलट लेते हैं और दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे से हम इसे सेक लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे इसे सेकेंगे और थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे, जिससे कि ये बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये अच्छे से बिल्कुल सेक रहा है। तो इस तरीके से दोनों साइड से हम पलटते हुए सेक लेंगे। तो ये एक आलू का चीला बनके बिल्कुल रेडी है, हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी प्रोसेस से जितना भी बैटर है हमारे पास, हम उसका चीला बना लेंगे। पहले ऑयल डालेंगे, उसके बाद बैटर डालेंगे और दोनों साइड से अच्छे से बिल्कुल सेक लेंगे। इसमें ऑयल बहुत कम लगता है, इसलिए ये बहुत ही हेल्दी है। और हमने इसे आटे से बनाया है, इसलिए ये और भी ज़्यादा हेल्दी है। तो ये लीजिए, मेरा चीला बन के बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे सर्व कर लिया है और इसे अब हम टमाटो केचप के साथ या हरी तीखी चटनी के साथ खाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप जैसे भी इसे खाना चाहते हैं खा सकते हैं। तो ये लीजिए, मज़ेदार सी रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि आप मेरी न्यू वीडियो से नोटिफाई रह सके। अब मैं आपसे मिलूंगी मेरी ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।